धर्मपुरी नगर के मध्य में स्थित पड़वा चौक में एक तूफान गाड़ी जिसका नंबर MP11BE0604 है, जो रहवासी सलीम मानियार पिता कदीम मनियार की है, जो सुबह तड़के लगभग 5:30 बजे के आसपास चोरी हो गई है, जिसकी जानकारी उन्हें सुबह जब उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी उनकी यथास्थान पर नहीं रखी है, उसकी तलाश की गई और सूचना पुलिस थाने में दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि पड़ावा चौक जहां से गाड़ी चोरी हुई है वो नगर के बीचों बीच स्थित है और नगर के मुख्य बाजारों में से एक है। इस घटना में व्यापारियों के प्रति अगर देखा जाए तो चिंता भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीचों बीच से अगर चोरी की घटना हो जाती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। जो है सवेरे 5:22 पर पड़ावा चौक धर्मपुरी में, जो कि धर्मपुरी का मेन मार्केट और बस स्टैंड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें दो बाइक सवार आए। एक बाइक सवार ने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी स्टार्ट करके जो है वो ले गया। चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जो धर्मपुरी का जो मेन मार्केट है, उस मेन मार्केट में जो तूफान हमारी खड़ी हुई थी उसको निकाल कर वो ले गए। तो गाड़ी आपने पहली बार खड़ी की थी वहाँ पे? नहीं, गाड़ी हमेशा स्थायी वहीं खड़ती है हमारी। हमारी दुकान भी वहीं है और हम रहवासी भी वहीं के हैं। काय की दुकान है आपकी? कपड़ा दुकान है हमारी, नूर कलेक्शन के नाम से, और गाड़ी के पीछे भी नूर लिखा हुआ है। गाड़ी की कोई विशेष पहचान? गाड़ी के पीछे नूर लिखा हुआ है और गाड़ी नंबर तो मैंने आपको बता दिए है। क्या है नंबर? MP11BE0604। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी तूफान गाड़ी है, सिल्वर कलर है उसका। इसकी सूचना आपको कैसे मिली और आपने थाने पे सूचना कब दी? इसकी सूचना हमारे जो बड़े भाई है सलीम भाई, वो सवेरे उठ के आए 7:30-8 बजे के समथिंग। उन्होंने देखा गाड़ी जगह पे ना पाते, वो मुझे फोन लगाया और मैंने डायरेक्ट आके थाने को सूचना करी है। करीबन 9:30-9:30 बजे के समथिंग सूचना करी। आज रात में पड़ावा मोहल्ला से एक तूफान वाहन चोरी गया है, जिसकी रिपोर्ट करने आए हैं ये आरिफ भाई। उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिया है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ और एक बनाकर, दो टीम अलग अलग बनाकर गंदवानी और बाग साइड रवाना किया है अज्ञात आरोपी और वाहन की तलाशी को। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं माल मुलजिम की तलाश के लिए और अज्ञात चोर और वाहन का पता करने के लिए।